नमस्कार, न्यूज 111 में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा वर्मा। पटना सिटी के कच्ची दरगाह स्थित पीपा पुल एक यात्री जहाज फिर से टकरा गया। जब यह यात्री जहाज पीपा पुल से टकराया, उस समय पीपा पुल पर दर्जनों गाड़ियां पीपा पुल पर आ और जा रही थी। लेकिन जब जहाज पुल से टकराया तो वहां भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए पुल के दोनों छोर की ओर भागना शुरू कर दिए। वहीं 5 लोगों ने गंगा नदी में अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगा दिया, जिसके बाद से वे अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। फिलहाल यात्रियों से भरी जहाज रुकी हुई है, जो कलकत्ता जा रही थी। जहाज में सभी यात्रियों को सुरक्षित बोट के माध्यम से गंगा किनारे ले जाया गया है। इस जहाज को वहां से निकालने के लिए LNT की 3 मालवाहक जहाज आ रही है। फिलहाल पीपा पुल 3 खंडों में टूट चुका है और दर्जनों गाड़ियां पीपा पुल पर फंसी हुई हैं। क्या कुछ यात्रियों का कहना है, उन्होंने पूरा दृश्य देखा है, क्या कुछ वो कह रहे हैं सुनिए। क्या हुआ है यहाँ पर अभी, पुल कैसे टूट गई? पुल टूटा, चालू था पुल। पुल को जहाज निकालने के लिए पीपा को खोला गया। जहाज निकलने के क्रम में पुल में टकरा गया जहाज की स्थिति आप देख ही रहे हैं। उस क्रम में जब जहाज टकराने की स्थिति है तो पुल भरा हुआ था, इसमें भगदड़ मचा। बहुत लोग तो 3-4 आदमी तो दरियाओं में कूद के अपना जान बचाया। आओ, लोग को फूटा भी है, मुंह कान भी फूटा हुआ है। बहुत लोग कैसे कैसे करके तब घटना रखी हुआ। पुलिस लोग भी भागने लगे, प्रशासन भी भागने लगे अपना जान लेकर। ये स्थिति हुआ है जहाज से। आज कितने आदमी को क्षति हो जाती है, कितने आदमी मर जाएंगे। गाड़ियों की अभी गाड़ी के कतार आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके मेन रोड तक है। यहाँ से लेके मेन रोड तक गाड़ी की कतार लगी हुई है, पब्लिक की कतार देख ही रहे हैं। इसी पब्लिक किस तरह से भी जाम आती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू यादव हुआ। हाँ ठीक है यार। तो फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।